जन स्वास्थ्य सप्ताह के अभियान को 18 जून से 24 जून तक चलाया गया, जिसमें दीवार लेखन प्रचार प्रसार के साथ साथ सहिया एवं सहिया साथी के द्वारा घर घर जाकर 40 वर्ष से ऊपर के उम्र वाले व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर जांच किया गया। जिन व्यक्तियों को शुगर, कैंसर, बीपी, कुष्ठ एवं लीवर से संबंधित बीमारी थी, उनकी सूची बनाई गई। ज्ञात हो कि 22 से 24 जून 2020 तक चलाए गए कैंप में पड़ैयाहाट प्रखंड के अंतर्गत अज्ञामोड़ मिशन स्कूल सहित पूरे प्रखंड में आज 29 जगह पर कैंप लगाकर लोगों का जांच किया गया, जिसका सफल संचालन प्रभारी पदाधिकारी डॉक्टर पूनम रानी के द्वारा किया गया। कैंप में उपस्थित मृत्युंजय कुमार, ओंकार पंडित, अंबिका कुमारी, पूनम कुमारी, मालानी सोरेन, सुशीला देवी, अमल लता हेम्ब्रम शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग दिया। गोड्डा से समाचार आज तक के लिए मनोज ठाकुर की रिपोर्ट। जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंबिका कुमारी है, मैं ANM रेडॉट PSC से हूँ। आज यहाँ गहन स्वास्थ्य जांच का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए हम लोग को यहाँ पे भेजा गया है, इसलिए हम लोग इसमें शुगर, BP, उसके बाद कुष्ठ, TB वगैरह वगैरह पर जाँच करते हैं। कैंसर, मोटापा, सांस लेने में कठिनाई, ये सब चीज़ की यहाँ पे जाँच। तो आपके क्षेत्र के अंतर्गत में ऐसा कोई संक्रमित जैसे लग रहे हैं क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं है। हालांकि गोड्डा में सुने हैं कि 7 निकले हैं पॉजिटिव, लेकिन हमारे पड़ैयाहाट प्रखंड में नहीं है। चलिए, धन्यवाद। जो आप देख रहे हैं समाचार आज तक, आज मैं इस वक्त अज्ञामोड़ चौक में मिशन में, जो कि एक महीना पूर्व क्वारंटाइन सेंटर चल रहा था, यहाँ आज टेस्ट कराया जा रहा है। आइए जानते हैं, हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग से पहुँचे हुए अधिकारी लोगों से जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मृत्युंजय प्रसाद सिंह। तो आज यहाँ पर किस चीज़ का टेस्ट करवा रहे हैं आप? ये गहन जन स्वास्थ्य जांच सप्ताह चल रहा है 18 तारीख से 24 तारीख तक। आज हमारा लास्ट दिन है और हम लोग जो भी हमारी जनता है, जो लाभार्थी है, उनमें हम सांस संबंधी बीमारी, TB, कैंसर, कुष्ठ, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, मोटापा, क्योंकि इससे इस रोगी को ही कोविड से ज़्यादा खतरा है, और इसका हम लोग सभी यहाँ स्क्रीनिंग करेंगे, जांच करेंगे। हमारी ANM है, हमारी सहिया साथी है, ये लोग इन लोगों का जांच करेंगे, शुगर जांच करेंगे, BP जांच करेंगे, टेम्परेचर जांच करेंगे, इसके बाद ये रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार ही अगर ज़रूरत हुआ तो इन लोगों का कोविड जांच भी होगा। तो COVID-19 की जांच यहीं से होगा? नहीं, ये सारा रिपोर्ट जमा होगा, हमारे और लोग जो हैं एक्सपर्ट लोग हैं, वो इसको देखेंगे, जांच करेंगे, और वहाँ से सूची बनेगी, और उसके बाद कहीं कैंप लगाकर कोविड जांच होगा। चलिए, धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ओंकार पंडित हुआ, नॉन मेडिकल असिस्टेंट में हूँ और यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में हूँ। यहाँ पर स्क्रीनिंग में के पर्यवेक्षण में आया हूँ यहाँ, और परगड़ी में हूँ, मुझे अभी परगड़ी भी जाना है। और पूर्व वक्ता से सुन लिए कि कुष्ठ का जांच, आपका कैंसर, मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ लिया जाता है, और इसका मेन मकसद है COVID-19। आवश्यकता पड़ी तो COVID-19 का भी जांच उच्च अधिकारी द्वारा किए जाएंगे, यहाँ से सैंपल लेंगे और सैंपल धनबाद, रांची अथवा जमशेदपुर, जहाँ आवश्यकता पड़े भेजकर फिर उनका। अभी सर गोड्डा जिला में पॉजिटिव मरीज कितने पाए गए हैं? अभी तक तो 7 पाए गए हैं फिलहाल, पहले 2 थे, दोनों नेगेटिव आ गए। वैसे गोड्डा जिला से सैंपल कितने समय भेजे गए हैं? ये तो हम लोग ने बताया, ये तो गोड्डा जिला का है, तो जिला स्तर से बतलाएंगे, हम लोग प्रखंड स्तर के आदमी है ना। अच्छा, आपके प्रखंड के अंतर्गत में कितने मजदूरों का सैंपल भेजा गया था? हमारे यहाँ